आज इस वीडियो में बात भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा की करते हैं। संबित पात्रा अक्सर मीडिया डिबेट्स में विपक्षी नेताओं की आलोचना करते दिखाई देते हैं, पर आज उन डिबेट्स की बात करेंगे जिनमें संबित पात्रा को करारे जवाब मिले। हिंदुत्व के मुद्दे पर इंडिया टीवी पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने अपने जवाब में कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, जिसका जवाब गौरव वल्लभ ने अच्छे तरीके से दिया। फिर बहुत हिंदू हिंदू की बहुत बात कर रहे हो ना संबित पात्रा, मैं चुनौती देता हूँ, आई चैलेंज। मेरे सामने वेद, उपनिषद, मीमांसा, न्याय, जेब में रखकर राहुल गांधी को चैलेंज दो। चुपचाप बीच में मत बोल। जब मेरे गौरव जी, ये तरीका नहीं बात करने का। गौरव जी, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। गौरव वल्लभ जी नहीं, गौरव जी इस पर आपत्ति है, इस पर आपत्ति है। गौरव जी, ये कोई टू तलाक से बात करने का कोई मतलब नहीं है। के साथ में डिबेट नहीं करता इन लोगों को बोलने। नहीं गौरव, गौरव तू तड़ाक नहीं हो सकती कार्यक्रम में, तू तड़ाक नहीं हो सकती कार्यक्रम में, ये कोई बात नहीं है। क्षमा करिए, सौरभ जी गलत नहीं, बीच में अगर वो बोल रहे थे आप मुझे कहते कि आप इनको चुप कराइए, ये तू तड़ाक नहीं हो सकती। गौरव जी तू तड़ाक नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल साफ है। आप चुप कराइए वरना मैं नहीं बोलूं। मैं अरे अब मेरे चुप कराने से चुप होंगे? आपने जब अरे भाई, एक थोड़ा सा लिहाज तो रखना पड़ता है सामने वाले का, या नहीं आपको? उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा ने विपक्षी दलों पर हिंदुत्व के मुद्दे पर आलोचना करनी शुरू की, जिसका करारा जवाब बसपा के नेता ने दिया। राहुल गांधी जी को हिंदुत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ये जो संबित पात्रा जी बैठे हैं, जरा इनकी चुटिया चेक कराइए, और जो दूसरे बीजेपी आरएसएस के समर्थक बैठे हैं, जरा इनकी सर पे चुटिया देखिए, क्या ये इनके सर पे चुटिया मिलेगी? जो हिंदुत्व की पहचान है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सब नकली हिंदू है। ये डिबेटों में हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन ये दलितों को हिंदू नहीं मानेंगे। अच्छा, ये उन्होंने चुटिया चेकिंग एजेंसी खोला हुआ है। संबित पात्रा, मुझे कुछ तो काम है नहीं। एक सेकंड, दिखा रहा हूँ भैया, चुटिया दिखा रहा हूँ, अब सुन तो लीजिए, अब इनको जरा शांत तो करिए। ये आजकल चुटिया दिखाऊंगा, इनकी राजनीति तो बंद हो गई है, तो इन्होंने चुटिया चेकिंग एजेंसी खोली हुई है। अब सुन लीजिए मेरे भाई, चुटिया वाले भाई सुन तो लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने संबित पात्रा से सवाल किया, जिस पर वे विपक्ष की आलोचना करने लगे, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उन्हें बीच में टोककर अपने सवालों से काफी परेशान किया। सड़क बना दी तो सड़क में बताए संबित पात्रा जी, डीजल कहाँ भरवाएंगे, पेट्रोल पंप कहाँ पे है बताओ ना, पूरी सड़क पे कहाँ पे पेट्रोल पंप है? मैं तो पूरा देख के आया हूँ, पूरी पेट्रोल पंप कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है, अगर किसी को भूख ले जाए तो खाना कहाँ मिलेगा? चित्रा जी आप भी गई होगी, देख के आई होगी, कहीं अगर डीजल पेट्रोल तो अगर और माननीय अखिलेश यादव जी ने 8 लेन तक किया था, इसको इन्होंने 6 लेन कर दिया, और ये बलिया तक जाना था, इसको मुंडा कर दिया, तो ये चोरी और बनारस से जुड़ना था उसमें कटौती की। ये 350 किलोमीटर की सड़क में न डीजल है, न पेट्रोल पंप है, न अभी आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके बाबा ही लूट रहे हैं। और दूसरी बात, ये झूठ के पुलिंदे बांधना बंद करें, एक भी विकास इनका नहीं है, और इनका चरित्र ही झूठ का है, पूरी बीजेपी झूठ पे टिकी हुई है। रिपब्लिक भारत पर हिंदुत्व के मुद्दे पर हुई डिबेट में संबित पात्रा ने अपने जवाब में हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को घेरा, तो इसका करारा जवाब आसिम वकार ने अपनी बारी में दिया। संबित पात्रा साहब को मैंने सुना, आज का जो मुद्दा है, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तरांचल में चुनाव है, 2 जगह और चुनाव है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चाह रही है अपनी पिच, अपनी गेंद, अपना बल्ला, अपना मुद्दा, और देश का जो मुद्दा है वो है महंगाई। मेरा मानना ये है कि इस वक्त कंसंट्रेट करना था एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की है उस पर, इस वक्त पेट्रोल की महंगाई पे बात करना थी, डीजल की महंगाई पे बात करना थी, LPG सिलेंडर जो 1000 रुपये पहुँच गया है उस पर बात करना थी, सरसों का तेल 250 तक पहुँचे जा रहा है उस पर बात करना थी। इस वक्त ये जो मुद्दा सलमान खुर्शीद साहब लाए हैं, ये बड़े वकील भी हैं, सीनियर लीडर हैं, ये क्यों लेकर आए? ये बीजेपी चाहती है धर्म का बात हो, बीजेपी चाहती है हिंदुत्व पर चुनाव लड़ना, हिंदुओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ना, हिंदू मुस्लिम करा के चुनाव लड़ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।